सेम पैटर्न पे ही है बिल्कुल। आइए देखते हैं। आपको डायरेक्ट बताया गया वन अपॉन इसका अंतर यानी चार, वन अपॉन पहली दो टर्म तीन, वन अपॉन आखिरी दो टर्म ये आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो 85 ऊपर जाएगा, बचेगा 84/15 इंटू 17/4, 21 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7/85 आपका आंसर आ जाएगा। यानी आंसर तो बहुत जल्दी आ सकता है, पर केवल उसी का आ सकता है जिसने पहले देख रखा हो इस टाइप का पैटर्न। इस टाइप का पैटर्न पहले से देखना बहुत ज़रूरी है। आज जितनी भी सीरीज़ मैंने कराई हैं, देखिए स्टार्टिंग की 5, 6, 7 को छोड़ के वो बेसिक सीरीज़ हैं, वो बेसिक सीरीज ही घूम घूम के आती हैं अलग अलग टाइप से। फिर आपने देखा आगे के क्वेश्चन जो हमने करे 4, 5, उसमें क्वेश्चन घूम रहा था और कॉन्सेप्ट जो है आपका वही यूज़ हो रहा था, पर चीज़ लिखी भी अलग तरीके से थी। ठीक इसी तरीके से 3 नंबर वाले में भी कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो आपको सामने बताया गया वन अपॉन अंतर हो गया इसका, वन अपॉन पहली दो टर्म माइनस वन अपॉन आखिरी दो टर्म। इसी के अंदर देखेंगे 17 मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है। एस का मान क्या है? यदि एस बराबर है ये 20 पद तक है, 20 पदों तक है, देखिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन करके जाना जरूरी है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। यानी सभी पैटर्न पॉसिबल जो होते हैं वो मैं क्लास में डिस्कस के लिए, दो टाइप की सीरीज है अगर आप ध्यान से देखते हैं, केवल उन्हीं बच्चों के लिए देखिए जिन्होंने पहले किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ उसके लिए लीप करना ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर में पहली बार देख रहे हैं और अटैम्प्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आपने देखा दो सीरीज हो गई, 1, 3, 5, 3, 5, 7 ऐसे ही आखिरी तक जा रहे हैं और ये हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखा था हमने इससे पहले, थोड़ी 2-3 क्वेश्चन पहले, दूसरी सीरीज आपने देखी 1, 4, 4, 7, ये भी हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं। अब जैसे कि आपको बताया था, देखिए 2 नंबर की सीरीज थी, आपने क्या देखा कि भाई 3 का अंतर है, अंतर 3 का है और ऐसी 10 टर्म है, 10 टर्म है तो यानी टोटल अंतर कितना हो गया 30 का, यानी 31 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। यानी पहली टर्म में और आखिरी टर्म में अंतर कितना होना चाहिए? 30 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि एक बार 3 का है और लगातार टर्म है तो यानी 30 का अंतर हो गया। सेम इतनी सी चीज मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, 3 टर्म है तो क्या हुआ, केवल इन 2 को लेकर ही चल लेते हैं। अगर आप देखें इसमें अंतर कितना है 2 का, अंतर है 2 का और ऐसी 10 टर्म होंगी तो अंतर हो जाएगा 20 का, यानी इसकी लास्ट वाली टर्म 21 होनी चाहिए और ये वाली इससे अगली टर्म क्या होगी 23 होगी, ये वाली कौन सी हो जाएगी 19 हो जाएगी। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसमें फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, सीधा देख सकते हैं। एक बार दोबारा से समझिए, देखिए इसमें अंतर 3 का था और लगातार टर्म है और 10 टर्म है, तो 10 टर्म अगर हो गई तो आपने देखा अंतर हो गया कितना
30 का, तो यानी 30 के अंतर के बाद अगला नंबर होगा, एक के बाद 30 का अंतर यानी यहाँ तक 31 हो गया, उससे अगला यानी अगला नंबर, पहला नंबर ही नहीं आएगा, ये अगला नंबर आएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ देखा, यहाँ अंतर कितना है 2 का, अगर मैं केवल इतना देखता हूँ, हाँ इतना देखेंगे तो नंबर जो मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, पीछे वाला नंबर मिलेगा, यानी 2 का अंतर है और ऐसी 10 टर्म है, तो अगला नंबर हो गया 20 के बाद एक 21, यानी ये वाला 21 अगर दिख गया तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं आगे वाला नंबर भी और पीछे वाले नंबर भी। अब इसमें आपको पता है कि सॉल्व कैसे करते हैं, 1/ अंतर इसका यानी 4 हो गया, 1/ पहली 2 टर्म यानी 3, -1/ आखिरी 2 टर्म 21 × 23। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7 23 70 हो गया आपका 140, 161 -1 160/4 यानी 40, 40/21 × 23, 21 × 23 हो गया 23 × 46 483, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये तो आपको पता है 1/3 लगाएंगे, 3 ऊपर नीचे, तो 1/ पहली टर्म -1/ आखिरी टर्म, 30/31 यानी 10/31। अब आपको इसको ऐड करना है, 10/31 प्लस 40/483, सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एलसीएम भी कर लेना है, देखिए आपको इससे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है, पर लेंदी उसके लिए होगा जो पहली बार देख रहा है, और पहली बार देखने वाला बच्चा इसे कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप पैटर्न आपको पता है तो आंसर बहुत आराम से भी आ सकता है, जैसे मेरे को पता लग गया पैटर्न ये वाली है, दोनों टाइप की सीरीज में पढ़ कर आया हूँ घर से, तो आपने देखा 1/ जो अंतर है 5 और 1 का यानी 4 हो गया, 1/ पहली 2 टर्म ये हो गई, आखिरी 2 टर्म का मुझे नहीं पता था, मैंने देखा 2 2 दाम 20 यानी 21, 21 और 23, 21 23 हो गई, इसे मैंने डायरेक्ट ही ऐसे लिख दिया। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखा अंतर है 3 का, 10 वारी यानी 31 हो गई, 30 का अंतर हो गया और ये 31 आ जाएगा, तो 1/ पहली टर्म माइनस आखिरी टर्म, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप की भी एक सीरीज आई है सर, आइए देखते हैं, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं, तो देखिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं इसे देखूं तो 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी 3 - 2, 3 + 2, 5 - 4, 5 + 4, 2009 -2008, 2009 +2008, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए ये क्या है, 1 है तो मैंने इसे लिखा 1 + 2 + 3, 4 + 5, इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी 2008, यानी ये सीरीज बन गई, जो सीरीज आपने अभी तक इस तरीके से देखी थी वो सीरीज अब घूम फिर के इस तरीके से बन के आई है, तो एग्जाम में आपको इस टाइप का चेंज मिलेगा ही मिलेगा, तो बेटर है चीज पहले से 2-4 आइडिया आप लेके रखें। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2009 × 2010 / 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2019
045। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए सीरीज का एक बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, यानी अगर आपने पहले से किया हुआ है तो बहुत आराम से प्रिडिक्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि किस डायरेक्शन में इसे पकड़ना है। पहले आपने देखा इसे आपने लिख दिया 3² - 2² उल्टा करके लिख दिया, बात एक ही रहेगा, पर अब देखने में आसान लगेगा। 3 - 2 3 + 2, 3 - 2 तो 1 हो गया, तो 1 वाला पार्ट तो आपको किसी का नहीं लिखना, केवल प्लस वाला लिखना है, और प्लस वाला भी आपको जोड़ के नहीं लिखना, केवल नंबर लिखना है, 2 + 3 4 + 5। अगर आप इसे 5 9 कर देंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका फिर बड़ा पड़ जाएगा, वैसे आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो यानी इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने सीरीज के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे जो आपको एग्जाम में सेम मिल सकते हैं, जिनका मेंस और मेंस से ऊपर का लेवल था, और आपको नंबर सिस्टम बेसिकली इसी तरीके से ही पढ़ना है कि वो क्वेश्चन करने हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। खाली आए हुए क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आने वाली क्लास में भी ऐसे देखेंगे जो एग्जाम में बन सकते हैं, और किस किस तरीके से नंबर सिस्टम में चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अब आप ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं।